अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मजीद कमेटी की मीटिंग जो हुई है, अहम मुद्दे पे जो कब्रिस्तान की दीवार जो गिर गई, इसके ताल्लुक से हम मीटिंग में बात रखे इंशाअल्लाह। उसको जल्द से जल्द मजीद कमेटी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काम करेंगे इसके कब्रिस्तान के दीवार के लिए। इसका तफसील जो है हमारे मुन्ना भाई बोलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कब्रिस्तान की दीवार 5 सितंबर को बारिश की वजह से गिर गई थी, जिसकी इतला पूरे डिपार्टमेंट को दी गई थी, उसका काम आज तक नहीं हुआ। लिहाजा हम आज बरोज़ हफ्ता कमेटी के पूरे मेंबर्स बैठ के एक मुसद्दका फैसला लिए कि वो दीवार को जो है ना हम तामीर करेंगे। तो नौजवान महिला भी जो है ना उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लिहाजा इसकी तफसील जो है ना हम आपके ज़रिए जो है ना वायरल कर रहे हैं कि इसके ताल्लुक से अगर ताउन करना चाह रहे तो हम लोग जो है मस्जिद का अकाउंट दे रहे हैं, वो अकाउंट में डालिए। और जो है ना पैसे अगर देना चाह रहे ऑफिस में आके पैसे दे के रिसिप्ट हासिल करिए, किसी को बगैर रिसिप्ट के पैसे मत दीजिए। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है ना कब्रिस्तान में एक 1200 गज ज़मीन जो फतरेली ज़मीन है, जहां पहाड़ी इलाका है, उसका भी जो है ना हम काम करने का इरादा करे थे, उसको जो है ना मेजरमेंट करे थे, वो पेंडिंग ऐसे ही रह गया है। तो इंशाल्लाह उसकी भी जो है ना वो भी काम जो है ना कमिटी के जरिए करेंगे। और वहाँ पर जो है ना कम से कम 1200 गज ज़मीन निकलेंगी, उसको जो है ना अपने को सीरियल से जो है ना उसमें तदफीन करेंगे उसमें वहाँ पर। लिहाजा वहाँ पर आगे पीछे नहीं होने देंगे, जो है वो भी काम अंजाम को लेके आएंगे। आप लोगों का ताउन चाहिए, अभी तक जैसा ताउन करे थे इस मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, इंशाल्लाह ताला वैसा ही ताउन की जो है ना ज़रूरत है। अल्लाह इसमें जो है ना हम सबको मदद करें और हम सबको जो है ना तकब्बुर से बचाएं और इसमें जो है ना कामयाबी अदा करे। आमीन आमीन सुमा आमीन इंशाअल्लाह वजीज। आप लोगों की जो है ना पूरे महल्लों से गुजारिश है, जितने महल्ले लगते 40-45 महल्ले लगते इसको, आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, ताकि अपनी जायदाद को अपन जो है सो ना महफूज करेंगे इंशाअल्लाह, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे इंशाअल्लाह।